हर साल हम दिवाली मनाते हैं, लेकिन इस साल की दिवाली थोड़ी दर्द भरी है, क्योंकि 7-8 महीने से कोरोना से लड़ते हुए बहुत सारे लोगों ने जान गंवाई है। कोई लोगों ने कोरोना से लड़ते लड़ते संघर्ष किया है, पूरे परिवार पूरे इस मामले में दर्द झेल चुके हैं। तो इस साल दिवाली हर साल जैसे मनाते वैसे ही नहीं मनाते हुए एकदम सीधे तरीके से और सादे तरीके से ये दिवाली मनानी है। दिवाली मनाते समय हम हर साल दिवाली में फटाके फोड़ते हैं, उसका आवाज़ बहुत सारा ज़्यादा होता है, उसकी वजह से पोल्यूशन होता है। लेकिन इस साल इसका ख्याल रखें कि पोल्यूशन ना हो, ज़्यादा आवाज़ ना हो, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन है वो 7-8 महीने से बाहर नहीं निकले, इसके वजह से उनको वो आवाज़ शायद उनको वो सहन ना हो या फिर उनको वो पोल्यूशन के वजह से तकलीफ ना हो, इसका सब लोग ख्याल रखें। मैं मेरे परिवार के तरफ से सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ ये दिवाली के दिन आने वाले दिनों में कोरोना का संसर्ग कमी हो, कोरोना ख़त्म हो, यही इच्छा व्यक्त करता हूँ। और मेरे तरफ से, मेरे पार्टी की तरफ से, मैं सभी नई मुंबई के नागरिकों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ।